Exercise 3 ये 159 हुआ, ये भी आपका 173 का क्लास 8 हुआ त्रिकोणमेशन, फिर आपका 202 हुआ। ये सब एक जगह एकत्र करना पड़ेगा। और इसमें क्या डिफरेंस है, सब में कौन संज्ञा के पहले कौन बाद में दिया जाता है, ये सब जानना पड़ेगा। तो पहले शुरुआत किया जाए। देखिए पहला क्वेश्चन आपका बनता है कि लिखते रहिए शॉर्टकट में, क्वेश्चन लिखा दिया करिए। आप क्वेश्चन लिखवा रहा हूँ, एलिफिंसिटन संहिता, ये पहला क्वेश्चन जे में बना है। एलिफिंसिटन संहिता क्या है? हाँ, एकदम शुरुआती दौर से चला जा रहा है। एलिफिंसिटन संहिता ये पूछा जा चुका है, तो आपका जवाब रहेगा कि भारत में सर्वप्रथम लिखिए 1927 ईस्वी में 1927 भारत में सर्वप्रथम 1927 ईस्वी में संक्षिप्त दंड प्रक्रिया संहिता बनाई गई थी। संक्षिप्त आज का भाई क्वेश्चन, संक्षिप्त दंड प्रक्रिया संहिता बनाई गई थी, इसे ही एलिफिंस्टन संहिता कहा जाता है। एलिफिंस्टन ने बनाया होगा, इसलिए इसे ही एलिफिंस्टन संहिता कहा जाता है। अब इसी तर्ज पर दो तीन क्वेश्चन और तैयार करने हैं। जैसे मैकाले की संहिता कौन है, तो मैकाले की संहिता कौन है? आईपीस। इसके स्टीफन का एक्ट कौन है, तो एविडेंस उनके नाम पर आ गया, उसमें कोई आपका ये नहीं करना है। मैकाले संहिता उसे पूछा नहीं जाएगा। एलिफिंस्टन मैकाले सभी लोग जानते हैं और एलिफिंस्टन को कम लोग जानते हैं। इसके बाद आपका पूरे भारत के लिए जो पहली बार सीआरपीसी बनी वह 1898 में बनी, यानी कि पूरे भारत के लिए सीआरपीसी का निर्माण आपका 1800 कह सकते हैं कि 98 में भी हुआ, उन्हें उसके बाद आपका 1973 ईस्वी में, और जो 1973 ईस्वी में सीआरपीसी बनी वहीं हम पढ़ रहे हैं, इतिहास उतना नहीं अब पूछा जाता। इसके बाद आपका एक क्वेश्चन और शुरुआती दौर में बनता है। देखिए कोड और एक्ट में मैं अंतर बता चुका हूँ, वही अंतर हमेशा काम करेगा। बस एक वाक्य बताइएगा, कोड एग्जास्टिव होता है और एक एग्जास्टिव नहीं होता, बस एक लाइन बताइएगा, ज़्यादा नहीं। अगर ये पूछे कि एग्जास्टिव का मतलब क्या हुआ, तब आप बताएंगे कि संहिता के अंतर्गत उस विषय से संबंधित लगभग सभी प्रावधान उल्लिखित रहते हैं, जबकि एक्ट में उस विषय से संबंधित सभी प्रावधान उल्लिखित नहीं रहते, मैंने उसके कुछ भाग दूसरे कानूनों में भी पाए जाते हैं। इसके बाद आपका जो पूछा गया क्वेश्चन, सीआरपीसी क्या है, द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर क्या है, तो आपका देखिए इसके बताने के दो तरीके हैं। लिख लीजिए भाई, द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, शॉर्टकट में पूछेगा कि सीआरपीसी क्या है, तो इसको बताने के दो तरीके सीआरपीसी के हैं। पहला आप ये बता सकते हैं, एकदम शब्दशः बता सकते हैं कि दंड प्रक्रिया संहिता, दंड यानी कि सजा और प्रक्रिया यानी कि प्रोसीजर, और आपका दंड प्रक्रिया संहिता मतलब कानून होता है। तो अगर सबसे शॉर्टकट में पूछे तो वह कानून जो दंड देने की प्रक्रिया का उल्लेख करे, ये भी बता सकते हैं। लिखिए सीआरपीसी क्या है, वह कानून जो दंड देने की प्रक्रिया का उल्लेख करे, वह कानून जो दंड देने की प्रक्रिया का उल्लेख करे,
लेकिन ये लिखते रहे, लेकिन ये परिभाषा सटीक नहीं मानी जाती। मैं बता रहा आपका, ये परिभाषा सटीक नहीं मानी जाती। तब आपका जो परिभाषा निकलती है सीआरपीसी क्या है, अगर ये पूछे तो एक लंबी परिभाषा भी मैं लिखवा दे रहा हूँ। ये परिभाषा लोग ये बताते हैं कि बताना नहीं चाहिए, क्योंकि हर एक बात इसमें समाहित नहीं, बहुत शार्ट हो जाएगी। लिखिए वाली परिभाषा सीआरपीसी की, अपराधी को अपराध करने के पश्चात, ये आप बता सकते हैं जो लिखवा जा रहा है, अपराधी को अपराध करने के पश्चात किस प्रकार न्यायालय के समक्ष पेश, किस प्रकार न्यायालय के सामने पेश करके, सामने थोड़ा विकसित हो, समक्ष विकसित हो, किस प्रकार न्यायालय के समक्ष पेश करके निर्णय लिया जाए, जजमेंट लिया जाए, निर्णय लिया जाए और उस निर्णय को कैसे कार्यान्वित किया जाए। हाँ, शब्द भी देखते रहना कि शब्द वीक न हो, और उस निर्णय को कैसे कार्यान्वित किया जाए, मैंने निष्पादित किया जाए, एग्जीक्यूट किया जाए, लागू किया जाए। मैंने अगर पूछे कि सीआरपीसी क्या, तो सीआरपीसी में सीआरपीसी ये बताती है, या सीआरपीसी वह कानून है जो बताती है कि किसी अपराधी मन को, मैंने अपराध करने के बाद कैसे न्यायालय के समक्ष पेश किया जाएगा, उसके खिलाफ निर्णय लिया जाएगा और निर्णय को कैसे लागू कराया जाएगा, ये आप क्या कर सकते हैं, ये परिभाषा आप बता सकते हैं। इसके बाद सीआरपीसी में आइए, आपका पहला जो आपका क्वेश्चन है, आपका उद्देश्य से कम पूछा जाता है, फिर आपका जो पूछा जाता है सेक्शन वन से भी कम पूछा जाता है, टू से ज़्यादा पूछा जाता है। यानी कि आपका कर्तव्य होगा कि धारा दो में जो भी परिभाषाएं दी गई हैं, सभी परिभाषाओं को कम से कम याद रखिए, और इसमें डिफरेंस भी पूछा जाता है। यानी कि जितनी परिभाषाएं हैं, कम से कम आपका इन परिभाषाओं से क्वेश्चन ज़्यादा बनता है। तो आपका पहली परिभाषा हम डायरेक्ट देखते हैं, 2A। 2A में क्या परिभाषित है, तो वेलेबल ऑफेंस और नॉन वेलेबल। देखिए आपका जो अगर सबसे पहले पूछे कि वेलेबल और नॉन वेलेबल ऑफेंस क्या है, यानी कि जमानती और अजमानती या गैर जमानती अपराध क्या है, तो जो बेयर एक्ट की भाषा है पहले वो बताइए। एकदम क्रम से मैं चल रहा हूँ। जमानती अपराध वह है जिसे प्रथम अनुसूची के तहत या अन्य जमानती बनाया गया हो, या अन्य तब समय प्रविध के तहत जमानती दिखाया गया हो, और अजमानती अपराध से कोई अन्य अपराध अभिप्रेत है। इसका मतलब ये हुआ कि वेलेबल ऑफेंस और नॉन वेलेबल ऑफेंस को स्पष्टतः परिभाषित किया गया है, लेकिन ये कहा गया है कि आप कहाँ देखेंगे जाकर, तो फर्स्ट शेड्यूल। अब यही आपका इंटरव्यू में बिहार में कई लोग क्वेश्चन गलत कर जाए, एक क्रम से चला जाए बैठे। अगर हम प्रथम अनुसूची को देखते हैं, तो प्रथम अनुसूची में दो खंड हैं। आपका पहला खंड जो है केवल आईपीसी के लिए, और सेकंड क्लास आपका कह सकते हैं कि अदर ला के लिए, स्पेशल ला लोकल। अदर ला मतलब क्या, स्पेशल ला या लोकल। प्रथम अनुसूची के तहत आपका जिन धाराओं के आगे
जमानती शब्द लिखा गया है प्रथम अनुसूची का प्रथम पद, उन्हें जमानती अपराध माना जाएगा और जिनके आगे क्या लिखा है अजमानती, उन्हें क्या माना जाएगा अजमानती अपराध। फिर आपका आया कि देखिए यही आपका क्वेश्चन लिखना भी है, जमानती अजमानती में तो अंतर हम बताएंगे पांच चार दिन, जमानती और अजमानती तो ये पूछा गया था बिहार में और यहाँ भी पूछा जा सकता है, और ये आपका पूछा गया था अगर कोई स्पेशल या लोकल ला है और उस स्पेशल या लोकल ला में यह कहीं नहीं लिखा गया है कि वह अपराध जमानती होगा कि अजमानती, याद रखें, तब इसका निर्धारण कैसे किया जाएगा कि वह जमानती है या अजमानती, यानी कि बेलेबुल ऑफेंस है या नॉन बेलेबुल, तो आप बताएंगे एक ही बात में बताएंगे। इसका निर्धारण सीआरपीसी के प्रथम अनुसूची के सेकंड क्लास से किया जाएगा, किससे किया जाएगा सीआरपीसी के फर्स्ट शेड्यूल के इसके सेकंड क्लास, तुरंत निकाल के एक बार दे दीजिए, दे रहे हैं पीछे दिया है भाग में भाई खंड, हाँ भाग खंड, देखिए आपका स्पष्ट रूप से ये क्वेश्चन। अब आपका अगला यहाँ लिख लीजिए भाई, भाई पूरा तो अभी अंतर लिखवा देंगे शॉर्टकट में, जो जो भाई देखिए पूरा लिखवाना संभव है, मेन मेन चीजें देखिए, यदि एक लाइन लिखिए, यदि देखिए क्वेश्चन आंसर है क्वेश्चन आ जाएगा, यदि किसी विशेष विधि या स्थानीय विधि, इसको दूसरे तरीके से भी पूछ सकता है, आईपीसी से भिन्न विधियां लिख लीजिए, पोस्ट में लिख लीजिएगा, आईपीसी से भिन्न विधियां या अदर ला, ये भी कह सकता है अदर ला मैंने आईपीसी के अलावा, तो अन्य विधि कहे या आईपीसी से भिन्न विधि भी कह सकता है, या इसको स्पेशल ला या लोकल ला हो सकता है पूछ ले, जैसे आप बताएंगे स्पेशल ला लोकल ला वो भी पूछ सकता है कि स्पेशल ला क्या होता है लोकल ला, तो उसको थोड़ा बहुत धारा ऐड कर दीजिए, तो स्पेशल ला आई पी सी की धारा 41 में वही स्पेशल ला जहाँ लिखे है ना विशेष नीचे वो बना के लिखे, कहाँ स्पष्ट किया गया स्पेशल ला को, तो आई पी सी की धारा 41 में और लोकल ला को आई पी सी की धारा 42 वही ऐड कर दीजिए ताकि ये भी क्वेश्चन तैयार हो जाए। वाक बोलिए तो फिर से, हाँ लिखिए, यदि किसी विशेष विधि या स्थानीय विधि में इस बात का प्रावधान न हो, इस बात का प्रावधान न हो कि अपराध जमानती होगा या अजमानती, अपराध जमानती होगा या अजमानती, तब इसका निर्धारण, तब इसका निर्धारण प्रथम अनुसूची के सेकेंड क्लास के तहत किया जाएगा, ये अच्छे से याद रखें, सेकेंड क्लास यानी द्वितीय खंड के अनुसार किया जाए। अब ये इतना आप बताएंगे, फिर आपका पूछ सकता है या फिर उसमें क्या नियम, ये पूछ सकता है, तो उस नियम को एक लाइन लिखना, लिखिए जिसके तहत
तीन वर्ष से कम का कारावास या जुर्माना दंड की मात्रा पर्याय तीन वर्ष से कम का कारावास या जुर्माना का दंड हो तो वह अपराध जमानतीय होगा। तथा मृत्युदंड आजीवन कारावास। मृत्युदंड का मतलब आजीवन कारावास या तीन वर्ष से अधिक का कारावास। तीन वर्ष से को रेट आ जाएगा, यानी आपका तीन वर्ष वाला नगान कर दीजिए, रेट तीन वर्ष या तीन वर्ष से अधिक का कारावास का दंड हो तो वह अजमानती होगा। अब आपका जो क्वेश्चन बनता है कि आखिर जमानती और अजमानती अपराध में डिफरेंस क्या है, तो शॉर्टकट में लिखे भाई अजमानती और अजमानती में। हाँ, एक और क्वेश्चन बना था, उसके भी अंतर में लिखवा दिया जाएगा। ये लिखिए जमानती और अजमानती अपराध में अंतर। ये क्वेश्चन बनने का अंतर जरूरी याद रखिएगा, लगभग 10-15 अंतर किया किसी में, डिफरेंस ज्यादा पूछा जाता है। मैं बता दू तो जमानती अजमानती में शॉर्टकट में लिखिएगा। एक बार ये क्वेश्चन आया था कि आखिर जमानती अजमानती का बंटवारा किस आधार पर किया गया, जैसे कि आपका संघे और असंघे का बंटवारा किस आधार पर। तो जो सीरियस ऑफेंस हैं उन्हें अजमानती बनाया गया है और जो साधारण अपराध हैं उन्हें जमा, ये बताएं। अगर संघे और असंघे तो उसमें भी आपका है, अर्थात जिन अपराधों से पूरा सोसाइटी इफेक्टेड होती है उन्हें कामिजेबल ऑफेंस और जिन अपराधों से केवल पीड़ित या उसके हित प्रतिनिधि ही प्रभावित होते हैं उन्हें नॉन कामिजेबल बनाया गया है। ये भी क्वेश्चन आपका आधार पूछा गया है, लिखे इसको बदलकर लिखिए सर, कर 4-5 कम से कम अंतर आपका 4-5 दिखाना पड़ेगा। आपका सबसे पहले जो पता है देखिए एक बार देखिए, हाँ नहीं तो आते रहते हैं। पहला अंतर आप बताएंगे परिभाषा से, भाई दोनों की परिभाषा एक ही सेक्शन में दी गई है, कोई अलग नहीं दी है, तो पहला अंतर तो डायरेक्ट से हो गया। ऐसे अपराध जिन्हें प्रथम अनुसूची के तहत आपका या मैंने प्रथम अनुसूची के तहत जमानती बनाया गया है या किसी अन्य तत्समय परिस्थिति के तहत जमानती दिखाया गया है और अजमानती से कोई अन्य अपराध अभिभूत है, ये तो सभी लोग जानते हैं। लेकिन जो आपका जो मुख्य अंतर है वही अंतर अटैक करिएगा कि जमानती अपराध में जमानत पाना अभियुक्त का अधिकार होता है, जबकि अजमानती अपराध में जमानत देना न्यायालय का विवेकाधिकार। पहला अंतर सटीक लिखिए, जमानती में शॉर्टकट में लिखिएगा अभियुक्त का जमान
अभियुक्त का जमा मैंने जमानत पाना अभियुक्त का अधिकार होता है। शॉर्टकट में लिखिए और अजमानती में न्यायालय का विवेकाधिकार। अब ये पूछे कि भाई आप कैसे कर रहे हैं तो इसको सपोर्ट करवा दीजिएगा और सपोर्ट आपका केस के माध्यम से पूछ सकता है। केस के माध्यम से सपोर्ट आप करवा देंगे और जस्टिस कृष्णा अय्यर पूछा भी गया था इस मामले में। हाँ आपका केस ये पूछा गया था। हाँ मोती राम वर्सेस स्टेट एमपी केस लिखना तो लिखिए। मोती राम वर्सेस स्टेट एमपी AIR 1978 सुप्रीम कोर्ट जस्टिस कृष्णा अय्यर। इन्होंने कहा कि आपका देयर इज ए रूल एंड देयर इज एन एक्सेप्शन। इनकी जमानत एक नियम है जबकि जेल अपवाद। और इन्होंने ये भी कहा कि किसी भी व्यक्ति के मन में ये संदेह न हो कि जमानती अपराध में जमानत मिल जाएगी अजमानती में नहीं मिलेगी, बल्कि जमानती अपराध में जमानत पाना अभियुक्त का राइट होता है जबकि अजमानती में अगर कोई मने गंभीर परिस्थिति न हो तो न्यायालय को अजमानती अपराध में भी अपने विवेकानुसार जमानत दे देनी चाहिए। यानी कि कृष्णा अय्यर जमानत देने के फेवर में ज़्यादा थे। आज भी सुप्रीम कोर्ट आप देख ही रहे हैं निरोध के पक्ष में कम है और जमानत देने के पक्ष में क्या है जस। ये आपका कृष्णा अय्यर। अगला लिखिए अंतर तीन चार अंतर भी लिखवा जाएगा। अब ये आया कि भाई बेलेबुल ऑफेंस में कब जमानत मांगी जा सकती है। गिरफ्तारी के बाद की गिरफ्तारी के पूर्व की दोनों को अच्छे से याद रखिए। जमानती अपराध में गिरफ्तारी के बाद ही जमानत मांगी जा सकती है। गिरफ्तारी के पहले जमानत मांगने का कोई प्रावधान नहीं। उसको लिखिए जमानती अपराध में गिरफ्तारी के पश्चात ही जमानत मांगी जा सकती है। जबकि अजमानती में गिरफ्तारी के पूर्व और गिरफ्तारी के बाद दोनों शॉर्टकट में लिखे। जबकि अजमानती में हेलो हेलो गुड मॉर्निंग बताइए उन्हें। अभी क्लास में दूसरा क्लास चल रहा है। आप मॉर्निंग 12 बजे फोन करिए। ये आपका अच्छा से याद रखिएगा। अजमानती में गिरफ्तारी के पहले भी मांगी जा सकती है जमानत और गिरफ्तारी के बाद। इसके बाद आपका सेक्शन उल्लिखित करेंगे अंतर में कि बेलेबुल ऑफेंस के लिए केवल एक सेक्शन है वह है 436 जबकि नॉन बेलेबुल के लिए तीन सेक्शन है आपका 437 438 और 439 बताया जाएगा। लिख लीजिए जमानती अपराध में 436 शॉर्टकट में लिखिए ताकि आप समझ सकें भाई जमानती में कौन सी धारा 436 और अजमानती में तीन धारा बनी है आपका 437 438 और 439। इसके बाद आपका अंतर जो अटैक करेंगे
वह आपका करेंगे 7 डेज बाद। अगर बेलेबुल ऑफेंस किया है और जमानत देने में 7 दिन तक असमर्थ है 1 सप्ताह, तो न्यायालय बिना आपका जमानतदार के यानी कि बिना प्रतिभूत के जमानत देने के लिए बाध्य है, जबकि अजमानती में ऐसा कोई नियम नहीं। देख लाइए चीजें, जमानती में 7 दिन का नियम है कि 7 दिन तक क्या नहीं देता जमानत, तो उसे निर्धन मान लिया जाएगा और स्वयं के बांध पर छोड़ दिया जाएगा, उन्मोचित कर दिया जाएगा। जबकि अजमानती में ऐसा कोई नियम नहीं। सेकेंड क्लास में वो भी एक्सेप्शन के अधीन है, 3 वर्ष वाला मासूम करिएगा, गंभीर और साधारण पर शो करिएगा। गंभीर साधारण लिखवा दिएगा इसमें, जो जमानती अपराध होते हैं वो साधारण प्रकृति के होते हैं और अजमानती गंभीर, 3 वर्ष वाला न बताइए। हाँ उस पर ज्यादा संगीत न बताइए, ये 3-4 पॉइंट बताएंगे, 3-4 पॉइंट बताएंगे, ये सटीक सटीक पॉइंट बताएंगे। जो आपका गंभीर साधारण ये ज्यादा संज्ञे असंज्ञे में ही काम करता है। अगला लिखिए भाई आपका ये बेलेबुल ना, उसके बाद 2B आ जाइए परिभाषा, इसको आगे जमानत बताई जाएगी 436 से, ये नहीं कुछ समाप्त हो गए तो परिभाषा चल रहा है। परिभाषा में बहुत समय लगता है क्योंकि हमेशा परिभाषा से ज़्यादा क्वेश्चन बन रहा है। इसके बाद 2B आरो यानी कि चार्ज, बस ये आपका चार्ज में ये पूछ सकता है, देखिए ध्यान से कि चार्ज क्या है। तो जो परिभाषा 2B में चार्ज की दी गई है आपका, उस परिभाषा से ज़्यादा बातें अस्पष्ट नहीं हो रही, तो ऐसी दशा में एक अपनी परिभाषा चार्ज या आरोप की, तो यहाँ 2 क्वेश्चन बनते हैं, उन क्वेश्चनों को भी लेकर चलना। आरोप क्या है और आरोप पत्र क्या है, दोनों अलग अलग हैं, ये पहले जानिए। आरोप लिखिए भाई, आरोप का विरचन, विरचन में निर्माण यानी कि चार्ज का निर्माण न्यायालय करता है, जबकि चार्जशीट यानी कि आरोप पत्र पुलिस द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। जबकि आरोप पत्र न्यायालय में लिखेगा, कहाँ प्रस्तुत किया जाता है ये भी तो आना चाहिए, जबकि आरोप पत्र न्यायालय में पुलिस द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। 173 तो है ना, हाँ पुलिस बता जाएगा, अभी बता दें। फिर एक बात इसको याद रखिए, यहाँ से टेक्निकल क्वेश्चन भाई बन चुके हैं और बनते भी हैं। आरोप का आपका अगर पूछे तो न्यायालय द्वारा आपका विचित होगा, और जो चार्जशीट भेजी जाती है वो न्यायालय नहीं भेजता, वह आपका कह सकते हैं कि पुलिस अधिकारी द्वारा न्यायालय को 173(2) के तहत भेजी जाती है, 173 का क्लास 2, उसमें भी टेक्निकल क्वेश्चन है। लेकिन यहाँ अब ये पूछा जा सकता है कि आरोप क्या है, तो जब आपका ये पूछा जाए कि आरोप क्या है, कि आरोप का मतलब हुआ दोषारोपण करना, यानी कि जब न्यायालय अभियुक्त पर दोषारोपण करता है उसी को आरोप कहते हैं, अर्थात न्यायालय ये लिखकर या मौखिक रूप से बताता है कि आपने ये अपराध किया है, लीगल तौर पे उसी को हम क्या कहते हैं, आपका
आरोप लिखिए। आरोप की एक और परिभाषा लिखिए, न्यायालय द्वारा, न्यायालय द्वारा अभियुक्त पर दोषारोपण करना, न्यायालय द्वारा अभियुक्त पर दोषारोपण करना। अगर आप और थोड़ा डिटेल में जाना चाहते हैं आरोप के बारे में तो और बता सकते हैं डिटेल में, वो भी परिभाषा में लिखवा दे रहा हूँ। लिखिए, आरोप अभियुक्त के विरुद्ध, डिटेल में लिखिए एक लाइन ज्यादा, आरोप अभियुक्त के विरुद्ध अपराध की जानकारी का, आरोप अभियुक्त के विरुद्ध अपराध की जानकारी का ऐसा कथन है, सबसे परिभाषा लिखवाया बताया जाए कि साबित है। अगर मान लीजिए न याद आए तो कम से कम दोषारोपण को बता सकते हैं, लेकिन ये परिभाषा सटीक है। अब जो रिक्वायर्ड है, देखिए, अभियुक्त के विरुद्ध अपराध की जानकारी का ऐसा कथन है जिसमें अभियोग के आधारों के साथ साथ, जिसमें अभियोग के आधारों के साथ साथ उस समय कामा दीजिए स्थान, उस समय स्थान और उस व्यक्ति या वस्तु का उल्लेख रहता है। अगर व्यक्ति के खिलाफ अपराध है तो व्यक्ति का, और वस्तु के खिलाफ है तो वस्तु का, उस व्यक्ति या वस्तु का उल्लेख रहता है जब, जहां और जिसके विरुद्ध अपराध किया गया है। जब कामा दीजिए जहां, जब मैं समय, जहां मतलब स्थान, जब, जहां और जिसके विरुद्ध अपराध किया गया है। चार से आपका क्वेश्चन बन सकता है, डिटेल में तो आगे हम बताएंगे, लेकिन शुरुआती दौर में थोड़ा बहुत बताना जरूरी है। वह बताना ये जरूरी है कि भाई चार्ज रिटेन में भी हो सकता है, ओरल भी हो सकता है। अब ये पूछा जाता है कि किस ट्रायल में चार्ज का रिटेन में होना आवश्यक है, तो आपका दो ऐसे विचारण हैं जहाँ के लिखित में होना आवश्यक है। कोर्ट ऑफ सेशन नंबर बताइए, कोर्ट ऑफ सेशन बताइए, वो मैंने गलत है सेशन को, या तो सब न्यायालय बताइए, इंग्लिश में बताए तो कोर्ट ऑफ सेशन, सेशन कोर्ट ऑफ विभाग से निकालिए, नहीं तो वहीं अटैक कर देगा, सेशन कोर्ट की कोर्ट ऑफ सेशन। हिंदी में बताना तो सब न्यायालय बताइए, तो आप अभी से आदत डालिए कोर्ट ऑफ सेशन, कोर्ट ऑफ सेशन, और दूसरा वारंट मजिस्ट्रेटों द्वारा वारंट मामलों का विचार, इसमें क्या होना चाहिए बिल्कुल। और आपका अन्य विचारणों में जो समन मामलों का विचारण है, संक्षिप्त विचारण, उसमें आपका कह सकते हैं कि मौखिक यानी सारांश ही बता देना पर्याप्त होगा। इसके बाद आपका चार्ज के बारे में डिटेल में प्रावधान 211 से लेकर 224 तक में किया गया है। आपका चार्ज का ग्राइंडर यानी कि संयुक्त करना है, कई साथ कई आरोप लगाकर विचारण करना। लेकिन जो पूछा जाता है कि क्या किसी अभियुक्त को ऐसे अपराध के लिए दंडित किया जा सकता है जिसके लिए उसके विरुद्ध चार्ज फ्रेम न किया गया, तो किया जा सकता है, बस एक लाइन बताना,
और ज्यादा नहीं, ज्यादा तो आगे पढ़ाया जाएगा। अब किस कंडीशन में, कंडीशन अगर पूछे तो भाई जो चार की आगे धाराएं हैं 219 हुआ, 20 हुआ, 21, 20 उसमें आपको जाना, हाँ तो उसमें आपको जाना पड़ेगा, और कोई उपाय नहीं है तो उसको हम बताएंगे। अब आपका एक और क्वेश्चन आपका बन सकता है, एक और इसी पर बस एक लाइन बता के निकल जाए, आगे पूछे तो आगे बताइए। ये पूछा जाता है कि अगर संदेह कि अभियुक्त ने कौन सा अपराध किया तो किस अपराध के लिए उसे दंडित किया जाएगा जिसमें कम दंड होगी जाए। तो हमेशा चूंकि लाभ ज्यादातर अभियुक्त पाता है, अतः ऐसी दशा में संदेह उत्पन्न हो जाए तो जो कम दंड है उस दंड से उसे दंडनीय किया जाए। और आपका ये आईपीसी में जाएगा स्पष्ट रूप से, सीआरपीसी में नहीं है, 72 आईपीसी की 72 होनी चाहिए, इसको अलग से एक बार लिख लूँ भाई, 72 नहीं होना चाहिए, देख लेना आईपीसी में जाकर। सीआरपीसी में ऐसा नहीं हो तो किसी अपराध के लिए दिया जा सकता है, जैसे कि ये है कि भाई हत्या किया गया आपराधिक मानव पर, तो हत्या का भय तो 71 होना चाहिए, नहीं कौन होगा वो होना चाहिए वाला जो नियम है उसको दिमाग से निकालिए। आपका 72 है भाई, 72 में आईपीसी। अगला देखा जाए तो भी आपका आगे चलेगा, हाँ ये आपका पूछा जाता है आरोप से एक दो क्वेश्चन और निकाला जाए। ट्रायल या विचारण कहाँ से स्टार्ट होता है ये आपका पूछा जा सकता है, तो एक नियम बना लीजिए, जब भी मजिस्ट्रेट या न्यायाधीश कोई अभियुक्त के विरुद्ध कार्यवाही करे, अगर वह कार्यवाही चार्ज फ्रेम की पहले की है तो उसे इंक्वायरी कहा जाता है, और जैसे ही चार्ज फ्रेम हो गया और अभियुक्त को सुनाना शुरू कर दिया चार्ज फ्रेम करके, वैसे ही कौन सा कार्यवाही शुरू हो जाती है ट्रायल। यानी कि ये पूछा जाता है कि आप इंक्वायरी और ट्रायल को कैसे अलग करें, या अलग कहाँ से किया जाता है, तो दिमाग स्थिर करके इसको बताइएगा, आरोप के निर्माण से या चार्ज फ्रेम से। यानी कि लिख लीजिए क्लाइंट, आरोप के निर्माण के पूर्व की न्यायिक कार्यवाही जांच कहलाती है, आरोप के निर्माण के पूर्व की न्यायिक पुलिस कार्यवाही नहीं, न्यायिक में लिखवा रहा, न्यायिक कार्यवाही जांच कहलाती है, जबकि आरोप के निर्माण से विचारण शुरू हो जाता है। ये आपका पूछ सकता है, ट्रायल शुरू हो जाता है, नहीं तो जांच के अंदर, जैसे ही मैंने पढ़कर हमें लगता है विचारण के बाद की कार्रवाई ट्रायल शुरू होती है नहीं, तो अगर आरोप का विचारण हो गया तो जैसे ही अभियुक्त को पढ़कर सुनाना शुरू करेगा वैसे ही ट्रायल शुरू, वैसे वहां से शुरू किया जो है स्वीकार, यहां पे मुझे बन सकता है कि आरोप लिख लिया लेकिन सुनाया नहीं, हमें लगता है वो जांच ही होनी चाहिए। और जैसे ही अभियुक्त को सुनाना क्या किया शुरू, वैसे ही ट्रायल शुरू होगा, मैंने जो 99% था इसी बात पर हम भी कंफर्म है, लेकिन एक बार हल्का सा देख लिया, लेकिन जो हमें मैंने जो हमें मालूम है जैसे ही वो पढ़कर सुनाना शुरू किया वैसे ही ट्रायल शुरू होगा, और उसके पहले की नई कार्रवाई क्या है क्या, ये क्वेश्चन आ सकता है, अच्छा क्वेश्चन बनता है, इसमें शक नहीं।
अब आपका डिस्चार्ज पूछा जाता है, इसे पढ़िए नहीं कि अभी समाप्त हो गया। डिस्चार्ज कब किया जा सकता है? तो डिस्चार्ज या उन्मोचन हमेशा याद रखे आरोप के विरचन के पूर्व किया जा सकता है, आरोप के विरचन के बाद या तो एक्विटल होगा या कन्विक्ट होगा, लेकिन डिस्चार्ज नहीं होगा। तो डिस्चार्ज बताया जाएगा। एक और पूछा जाता है क्वेश्चन इंटरव्यू में कि आपका दोष मुक्ति और उन्मोचन में अंतर क्या है, तो भी पांच अंतर आगे बताया जाएगा। तो उन्मोचन शब्द है। इसके बाद टू सी आ गया आपका। टू सी में आप टू सी और टू एल को एक साथ पढ़ा जाता है। आपका टू सी में काम कीजिए बुलेटिन और टू एल में नाम काम कीजिए। देखिए इसमें ज़्यादातर अंतर पूछा जाता है, यानी कि परिभाषा तो रटे रही है। संज्ञेय अपराध क्या है? वैसा अपराध जिसमें कि पुलिस अधिकारी किसी व्यक्ति को फर्स्ट शेड्यूल के तहत वा बिना वारंट नहीं बल्कि वाक्य सही करिए बिना वारंट नहीं वारंट के लिए आओ भाई सुधारिए वाक्य बिना वारंट गलत हो जाए। यही शब्दों को भी आपको चयन करते समय वहाँ क्या बरतिए उल्टा नहीं बता देना है, ये भी सुधारना है। वारंट के बिना अरेस्ट कर सकता है। और असंज्ञेय अपराध क्या है? जिसमें पुलिस अधिकारी किसी व्यक्ति को वारंट के बिना अरेस्ट नहीं कर सकता। अब यहाँ आपका एक्सेप्शन असंज्ञेय में नाम काम के रूल में पूछा जाता है। एक अपवाद, हाँ ये आपका ये पूछा जाता है नाम काम के रूल में कि क्या कोई कंडीशन है जहाँ की पुलिस अधिकारी नॉन कॉन्जिजेबल ऑफेंस में वारंट के बिना किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर ले। तो आपका जवाब रहेगा एक कंडीशन है और वह कंडीशन बताएंगे आप 42 ICRPC की कौन सी धारा 42। हाँ ये अपवाद है, ये पूछा जाता है। अब जैसे ही वारंट के बिना गिरफ्तारी आए कि पुलिस वारंट के बिना किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती है आपका तुरंत। अब यहाँ क्वेश्चन CRPC में व्यापक बनते हैं, लिख लीजिए। तो वारंट के बिना गिरफ्तारी पहले गलत क्वेश्चन बनाइए, संज्ञा संज्ञा की परिभाषा नहीं लिखवाए, बस पांच सटीक से अंतर। कई लोगों से पिछली बार पूछा गया जैसे ही आप अंतर बताना तीन चार अंतर बताएंगे तो जान जाएगा कि लड़का रट्टू तो तरंगा आगे बढ़ तो लगातार अंतर बताना शुरू कर देना है, रट्टा मार कर जाइए। कुछ चीज़ें तो रट्टा मार कर बताई जा सकती हैं, भले कुछ चीज़ें ना बताई जाए। तो इसमें आपका जहाँ जहाँ वारंट के बिना गिरफ्तारी का प्रावधान हो ये पूछा जाता है उसको एक जगह सेक्शन एकत्र करना है। और इंटरव्यू में क्या क्या क्वेश्चन बना है इस विषय पर वो भी देखना है। हेडिंग का लीजिए तो वारंट के बिना गिरफ्तारी निम्नलिखित धाराओं के तहत की जा सकती है। ये पुलिस द्वारा भाई आपका किसके द्वारा मैं बता रहा हूँ? पुलिस द्वारा वारंट के बिना मजिस्ट्रेट द्वारा नहीं की जा सकती है। अब सभी धाराओं को अगर पूछ ले तो एक एक करके आपको पढ़ना पड़ेगा। लिखिए पहला है 2C, पहला कौन आप मारेंगे 2C कौन सा अपराध कॉन्जिजेबल ऑफेंस। दूसरा धारा है आपका 41 में कुछ कंडीशन ऐसी दी गई है जहाँ की पुलिस अधिकारी किसी व्यक्ति को वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकता है। फिर आप लिखेंगे 42 असंज्ञेय अपराध में दो दशाएं हैं उसको हम बताएंगे 42। फिर आप लिखेंगे 151 सेक्शन 151।
यहाँ से इंटरव्यू में क्वेश्चन बना है बताया जाएगा अभी 123 भी अभी बताया जा रहा है पूरा बस पूरा नहीं हुआ 151 से अलग क्वेश्चन बना उसको थोड़ा एक लाइन लिख लीजिए। प्रिवेंटिव अरेस्ट क्या होता है? निवारक गिरफ्तारी, निवारक गिरफ्तारी या प्रिवेंटिव अरेस्ट क्या होता है? तो आपका जवाब रहेगा निवारक गिरफ्तारी के लिए पहले सेक्शन या दोहे लिखिए एक से जान क्या है निवारक गिरफ्तारी का प्रावधान कहाँ है तो 1(i)(1) देखिए क्या होता है पूरा बता देते हैं थोड़ा विस्तृत तौर पर उतना लिखिएगा ना। सामान्यतः किसी व्यक्ति को अपराध करने के बाद ही अरेस्ट किया जाता है लेकिन ये विधि का पूर्ण नियम नहीं है। धारा सीआरपीसी 151 में इसका अपवाद सृजित किया गया है जहाँ की अगर कोई व्यक्ति संज्ञेय अपराध करने वाला हो यानी तब ऐसी दशा में उस अपराध को रोकने के लिए पुलिस अधिकारी ऐसे व्यक्ति को अपराध करने के पूर्व ही अपराध को निवारण करने है या अपराध को रोकने है कौन सा अपराध रोकने है संज्ञेय या संज्ञेय संज्ञेय अरेस्ट कर सकता है ये डिटेल में हो गया। लेकिन प्रिवेंटिव अरेस्ट का मतलब ये हुआ आपका एक लाइन कि अपराध करने के पहले ही क्या कर लेना ये आपका अगला लिखे 123 का क्लास 6 सेक्शन अगला लिखे वारंट के बिना गिरफ्तारी घर पर भी डिटेल में लिखिएगा। 123 का क्लास 3 क्या 123 का क्लास 3 यानी कि अगर किसी व्यक्ति से सिक्योरिटी या प्रतिभूति मांगी गई और वह प्रतिभूति नहीं दिया कारागार भेजा गया और शर्त लगाकर उसे छोड़ा गया क्या लगाकर कंडीशन और बाहर जाकर उस कंडीशन का उस शर्त का उल्लंघन करता है तो पुलिस को ये हक है अधिकार है कि वह ऐसे व्यक्ति को वारंट के बिना क्या कर ले। देखिए धारा में 123 अगला लिखे भाई 432 का क्लास 3 432 का क्लास 3 इसमें आपका प्रावधान किया गया है कि अगर समुचित सरकार ने किसी अपराधी के दंड को समुपलब्धकरण किया परिहार किया शर्त लगाकर किया और वह जब छूट गया तो शर्तों का क्या किया है वायलेशन तो पुलिस अधिकारी ऐसी दशा में ऐसे व्यक्ति को वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकते हैं कि धारा में 432 के किस में आपका क्लासी अगला लिखे 438(1) का परंतु सीआरपीसी की धारा 438(1) का परंतु यहाँ नजर कम जाती है लोगों की पर थोड़ा सतर्क रहना अगर अग्रिम जमानत के लिए आवेदन दिया गया या तो अग्रिम जमानत का आवेदन नामंजूर हो गया या कोई अंतरिम या अंतिम आदेश न्यायालय ने नहीं दिया इसलिए पुलिस चाहे तो वारंट के बिना अभियुक्त को गिरफ्तार कर सकती है यानी कि नियम यह है कि अग्रिम जमानत माने हैं तो जब तक कोर्ट कोई आदेश न दे दे छुपे रहिए यानी कि ऊपर बीच में गिरफ्तार कर सकते हैं पुलिस जब तक आपको अग्रिम जमानत न मिल जाए क्या करिए कहीं ना कहीं छुपे रहिए और पुलिस पकड़ लेगी तो भाई आपका गिरफ्तार कर लेगी कौन सी धारा है 438(1) का और पुलिस एक्ट की धारा अगर पुलिस एक्ट में जाए तो भाई कई धारा सभी लोग जानते हैं कौन वारंट के बिना पुलिस क्या कर सकती है गिरफ्तार
यानी कि इतना आपको प्रावधान बताने पड़ेंगे। इसमें और एक क्वेश्चन किया गया है सही का। अगला आपका बनता है कि संज्ञेय और असंज्ञेय अपराध में अंतर। तो भाई अंतर के लिए आपका चार पांच अंतर मुक्त बता देना, वैसे आप लोग पढ़ेंगे। देखिए अब कौन साधारण अपराध होता है, कौन गंभीर अपराध, ये भी आप बता सकते हैं। तो साधारण अपराध कौन है आपका कह सकते हैं कि असंज्ञेय, और गंभीर कौन है संज्ञेय। अब ये किससे किस अब किससे पूरा समाज ये बताइए भाई अच्छे से लिखिए। और संज्ञेय अपराध से पूरी सोसाइटी इफेक्टेड होती है। संज्ञेय अपराध से प्रभावित लिखिएगा, प्रभावित कौन होता है, पूरा समाज ये माना जाता है। जबकि असंज्ञेय से केवल पीड़ित। विक्टिम बता दीजिए उतना पर्याप्त रहेगा, क्योंकि आज की परिभाषा जो अपडेट की गई है 2WA में उसमें उसके घर वाले आ ही जाते हैं, तो आपको डिटेल में बताने की आवश्यकता नहीं है। अब ये भी क्वेश्चन देखिए आपका अच्छा बनता है भाई, दूसरा अंतर भी अच्छा बनता है और ये अलग से भी बना है कि किस अपराध में पुलिस मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना भी और मजिस्ट्रेट के आदेश पर भी इन्वेस्टिगेशन कर सकती है। तो वह संज्ञेय। और किस अपराध में पुलिस स्वतः अन्वेषण नहीं कर सकती, केवल मजिस्ट्रेट के आदेश पर ही कर सकती है, ये भी इंटरव्यू में क्वेश्चन आ चुका है। लिखिए संज्ञेय अपराध में पुलिस स्वतः अन्वेषण कर सकती है। दूसरा लिखिए भाई, हाँ संज्ञेय अपराध में पुलिस स्वतः अन्वेषण कर सकती है, जबकि असंज्ञेय में मजिस्ट्रेट के आदेश से। शॉर्टकट में लिखिए, यहाँ अलग से भी यहाँ क्वेश्चन बना, अगर अलग से आप लिखना चाहें तो एक क्वेश्चन अलग से बना है। कि वह क्वेश्चन फिर मैं बता दूँ कि किस अपराध में आपका पुलिस स्वयं भी अन्वेषण कर सकती है और मजिस्ट्रेट के आदेश से। ये क्वेश्चन अलग से कहीं लिख लीजिए, इसी समय अलग से लिखिएगा, अंतर में नहीं भाई, अलग कहीं पढ़ना हो तो उस पर, क्योंकि हो सकता दिमाग में भाई आ जाए वो लिखते रहे, क्योंकि आपका कला दिमाग में ना आए कोई भरोसा नहीं। किस अपराध में प्रश्न पहले बनाइए, किस अपराध में पुलिस स्वतः तथा मजिस्ट्रेट के आदेश से भी अन्वेषण कर सकती है। तथा किस अपराध में केवल मजिस्ट्रेट के आदेश से अन्वेषण कर सकती है, तथा किस अपराध में केवल मजिस्ट्रेट के आदेश से अन्वेषण कर सकती है। बताइए आप लोग किसमें आपका पुलिस स्वतः अन्वेषण कर सकती है और मजिस्ट्रेट के आदेश से भी। संज्ञा किसमें मजिस्ट्रेट के आदेश से ही केवल। अब सेक्शन पूछेगा, सेक्शन आपको लिखना पड़ेगा, लिखिए उसको सेक्शन वाइज, आपका सेक्शन वाइज लिखिए तो उसी में ऐड कर लेना। जहाँ जहाँ आप लिखे हैं मजिस्ट्रेट संज्ञा में लिखे हैं ना कि मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना, तो वह सेक्शन 156 है, 156(1) मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना। फिर संज्ञा में दे दिया मजिस्ट्रेट के आदेश से, 156 का क्लास 3।
फिर आपका दे दिया असंगेन मजिस्ट्रेट के आदेश से 155 का क्लास टू है ना, 155 का क्लास टू मैंने, अगर सेक्शन वाइज पूछे तो आप सेक्शन वाइज आपको बताना पड़ेगा, वैसे सेक्शन वाइज पूछा नहीं गया, ये केवल पूछा गया। अगला अंतर आइए भाई आपका देखा गया, अगर अगला अंतर ये है कि अगर संज्ञेय अपराध है तो पुलिस वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकती है और असंज्ञेय में सामान्यतः नहीं कर सकती, इसे अंतर न लिखिए तो आप जानते ही हैं। अब संज्ञेय अपराध की सूचना दिलवाइए, सूचना में अंतर है, संज्ञेय अपराध की सूचना किसको दी जा सकती है, तो भाई पुलिस अफसर को दोनों दी जाती है, उसमें अंतर कहाँ, भाई थाने के भार से आदर्श अधिकारी को आप संज्ञेय में भी देते हैं 156 मैंने आपका 54 और असंज्ञेय में 155, इसमें अंतर नहीं, अंतर मैं बता रहा हूँ, देखिए अंतर ये है कि किस थाने के भार से आदर्श, इसमें अंतर है, तो आपका संज्ञेय अपराध की सूचना भारत के किसी भी थाने के भारसागर अधिकारी को दी जा सकती है, संज्ञेय अपराध की सूचना भारत के किसी भी थाने के भारसागर अधिकारी को दी जा सकती है। आगे बताया जा रहा है, इसमें पाया जाता है 0 FIR, नील FIR, इस समय काफी विवाद का विषय भी रहा और सुप्रीम कोर्ट ने इस विवाद का निपटारा भी कर दिया, महाराष्ट्र सरकार कह रहे थे कि 0 FIR है तो हमारे यहाँ ट्रांसफर किया जाए बिहार में जो हुई थी, और बिहार पुलिस कह रहे थे कि 0 FIR नहीं है क्योंकि पीड़ित के पिता रहते हैं, मैंने जो आप मैंने सुशांत के अतर ये रेगुलर FIR मानी जाए, तो सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार की बात को मान लिया और इसका भी असर निश्चित रूप से चुनाव पर पड़ा, इसमें कोई शक नहीं है। हाँ, ये जो रिपब्लिक टीवी का TRP बढ़ा, ये बिहार के लोगों के कारण बढ़ा, बिहार के लोग दिन रात क्या देखते थे रिपब्लिक टीवी, और अब भी अर्णब गोस्वामी आ गया है और डरने वाला नहीं, सरकार की जब तक धजिया न उड़ा दे और सरकार केवल मुखदर्शक बनकर देख रहे हैं, देखिए अगर इसको छेड़ा नहीं जाता तो थोड़ा कम उत्तेजित होता, अब तो जेल से आया है तो आपका जख्मी शेर हो गया है, अब जख्मी शेर जानते हैं या जख्मी सांप और जख्मी नाग नाली कितना खतरनाक होते हैं, और अब आपका धजिया उड़ाना सोशल मीडिया पर जा क्या शुरू, अब तो सुप्रीम कोर्ट भी सपोर्ट कर दिया है, जाओ प्रेस की स्वतंत्रता है जो बोलना हम बोलो, तो आगे देखा कि बताया जाएगा इस पर बैलाट में करेंट मुद्दे आपका कुछ बताया जाएगा, ये आपका अच्छे से इसको भी तैयार रखना है। संज्ञेय अपराध में देखिए आपका FIR मैंने संज्ञेय अपराध घटित होने की सूचना किस थाने के भार साधक अधिकारी को दी जा सकती है, तो भारत के किसी भी, और असंज्ञेय में भारत के किसी भी नहीं, केवल किसको दी जाएगी आपका जहां अपराध हुआ। ट्रांसफर करना पड़ता है, 0 क्यों कहा जाता है, इसका मतलब क्राइम नंबर में तो उसको ट्रांसफर किया जाता है, तो यही तुम्हारा सरकार कर रहे थे कि आप कैसे अन्वेषण करने आ गए, आपको तो पावर नहीं, 0 FIR दर्ज किए तो हमारे यहाँ ट्रांसफर करिए, हम करेंगे अन्वेषण, मुख्य विभाग तो यही था, IGS को बंदी बना दिया गया तमाम घटनाएं। अब फौती सूचना बता रहे हैं, फौती सूचना मतलब कि जब कोई थाने का भार सागर कर रहा है अपने हल्के में गश्त कर रहा हो यानी कि अपने इलाके में, और उस समय जाकर आप क्या कर रहे हैं, सूचना दे रहे हैं, उसी को फौती सूचना कहते हैं। फौती सूचना अगर वह थाने में आकर FIR के रूप में दर्ज कर लेता है
तो वह एक आयार मान लिया, दस तरह का सर्व कॉलर मान लिया। लेकिन अगर सूचना आपने कहाँ दिया, मतलब कि जैसे थानेदार गए तुरंत आप जाकर थाने पर नहीं आए, वहीं क्या किए, सूचना इसी को पौती सूचना कहा जाता है। एफ आई आर बोलेंगे और क्या बोलेंगे, बिना नाम नामजद एफ आई आर, बिना नाम के एफ आई आर। सूचना है तो ना रहो जाए, जब तक तू उधर न हो जाए एफ आई आर कहाँ कर जाए भाई। आप सूचना दिए जब तक कागज पुलिस न लिए जाए कहाँ एफ आई आर कहाँ जाएगा। एफ आई आर 154 में दर्ज हो तभी तो कहा जाएगा कि हम हवा में चलते रहे। देख लेंगे ना, एक में हो सकता है, मैं याद नहीं पुलिस है इतना भी हो सकता है कठिन आई देख इधर के पुलिस एक्शन हुआ अधिक के आगे पर इसको देखा जाए। संगे वाले में देखे क्या लिखवा जाए, ये आपका सूचना। अब सेक्शन आप अलग कर सकते हैं अगला अंतर में कि जो काम एलिजिबल ऑफेंस के लिए सूचना दी जाती है वह सेक्शन 154 के तहत दी जाती है और आपका नाम काम लीजिए 155, ये तो हमें लगता है सभी हो जाते हैं। इसके बाद आपका एफ आई आर में एक जो सूचना आपका संज्ञेय अपराध में दर्ज की जाएगी, प्रतियों में भी अंतर है। संज्ञेय अपराध में 3 प्रतियों में सूचना दर्ज होगी और असंज्ञेय में 2 प्रति। आपका 3 प्रतियां कहां कहां जाएंगी ये भी आपका पूछा जा सकता है। तो एफ आई आर में डिटेल में करेंगे क्योंकि वहाँ बताया जाएगा क्या चिक रजिस्टर क्या है ये पूछा गया, पौती सूचना क्या है, ये जो एफ आई आर क्या है, ये सब वहीं बताया जाएगा। 154 संज्ञेय अपराध में अगला आपका अगर काम एलिजिबल ऑफेंस है तो अगला आपका ये देखना है कि वहाँ अभियुक्त के विरुद्ध कार्यवाही स्टेट करता है उसको जरूर बताइए। लिखिए संज्ञेय अपराध में अभियोजन का संचालन कौन करता है तो ये जरूर बताइए, राज्य करता है। और असंज्ञेय में पीड़ित को स्वयं करना पड़ता है, यानी किसमें राज्य करता है भाई कार्यवाही, तो आपका संज्ञेय में और पीड़ित को स्वयं की आपका करना पड़ता है तो ये किसमें है आपका असंज्ञेय। अब कुछ सुधार भी हुए हैं जैसे कि महिलाओं के प्रति अपराध है तो उस मामले में एफ आई आर बता दे रहे हैं लिखे ना 454 महिला पुलिस अधिकारी द्वारा ही दर्ज की जाएगी जबकि असंज्ञेय में ऐसा कोई नियम नहीं। संज्ञेय में घर पर जाकर भी कुछ दशाओं में अब एफ आई आर दर्ज हो सकती है लेकिन असंज्ञेय में अभी ऐसा कोई नियम नहीं, बताइए। मजिस्ट्रेट हो महिला वो लिख रहे ये महिला अधिकारी एफ आई आर जो है महिलाओं के विरुद्ध अगर हुआ है तो हम धारा 100 की तो पुलिस ऑफिसर के अलावा अधिकारी अलग से शब्द रखता गया है पर महिला पुलिस अधिकारी तो समझ में आ रहा है ठीक है पुलिस ही लेकिन आखिर यही छोड़ देते तो महिला अधिकारी लिखने का आशय कि अन्य कोई अधिकारी हो भले वो पुलिस न हो लेकिन वो स्त्री तो वह भी आपका दर्ज कर सकती है। ये हाँ लेडी द्वारा ही दर्ज किया जाए ये आपका मुख्य रूप से उद्देश्य है ताकि वह अपनी बात को निसंकोच कर सके, ये भी बता सकते हैं पूछ सकता है क्यों ऐसा नियम बना गया ताकि वह अपनी बात को निसंकोच क्या करे बता सके। इतना अंतर बताइएगा संज्ञेय असंज्ञेय में। इसके बाद आ जाइए 2D कंप्लेंट या परिवार।
यहाँ जो आपको क्वेश्चन बनता है, परिवार भाई किसके समझ के आ जाए, तो डिटेल में चलना पड़ेगा, शॉर्टकट में संभव नहीं है। आपका टू डी ये 200 से लेकर 203 तक बताया जाएगा, लेकिन एक क्वेश्चन टेक्निकल बनता है, क्या पुलिस रिपोर्ट को परिवार माना जाएगा, ये आपका बनता है। तो सामान्यतः पुलिस रिपोर्ट परिवार नहीं होती, लेकिन इसका एक एक्सेप्शन, और वह एक्सेप्शन है कि अगर पुलिस ने किसी अपराध का स्वतः इन्वेस्टिगेशन किया हो और 173(2) के तहत असंज्ञेय अपराध के घटित होने की रिपोर्ट भेजी हो, तो अब उस रिपोर्ट को पुलिस रिपोर्ट न मानकर परिवाद माना जाएगा, और जो पुलिस अधिकारी रिपोर्ट भेजा है उसे परिवादी माना जाए, एक एक्सेप्शन है। यहाँ आपका एक टेक्निकल क्वेश्चन बनता है, ये तो हमें लगता है कि ज़्यादा लोग जानते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ आपका बनता है दो कंडीशन, अगर पुलिस ने स्वतः अन्वेषण करके ऐसा पाया हो तब क्या होगा, और अगर मजिस्ट्रेट ने इन्वेस्टिगेशन का आदेश दिया हो तब क्या होगा। तो दोनों में भाई अंतर है, मैं बता रहा हूँ, इसको लिखिए अलग से, यदि पुलिस ने किसी मामले का स्वतः अन्वेषण किया हो और असंज्ञेय अपराध की रिपोर्ट भेजी हो, शॉर्टकट में लिखवा जा रहा है, और असंज्ञेय अपराध की रिपोर्ट भेजी हो, तब उस पुलिस रिपोर्ट को परिवाद माना जाएगा, लेकिन यदि मजिस्ट्रेट के आदेश से इन्वेस्टिगेशन किया हो, लेकिन यदि मजिस्ट्रेट के आदेश से इन्वेस्टिगेशन किया हो और ऐसी रिपोर्ट भेजी, वैसे मैंने आसान दे, और ऐसी रिपोर्ट भेजी हो, तब उसे परिवाद न मानकर पुलिस रिपोर्ट माना जाए, तब उसे परिवाद न मानकर पुलिस रिपोर्ट माना जाए, ये आगे हम डिटेल में बताएंगे। सर, संज्ञेय और असंज्ञेय में एफआईआर परिवाद के आधार पर बता दीजिए। परिवार संज्ञेय असंज्ञेय दोनों मामलों में हो सकता है, एफ आई आर केवल संज्ञेय, अलग से बताएंगे। हाँ, ये भी पूछा जाता है भाई, एफ आई आर और परिवार, और उसको अलग से बताएंगे, मेरे को पॉइंट दिमाग में नहीं आ रहा, तीन चार पॉइंट तो हम बता ही देंगे, मेरे को पॉइंट से भाई आपका एक बार देखना पड़ेगा, आपका बताया जाए, ठीक है भाई। इसके बाद जो परिभाषाओं से क्वेश्चन आपके बनते हैं वो देखे जाए, कौन कौन है परिभाषा से ज़्यादा क्वेश्चन बन जाते हैं, इसी में देखिए घंटा ले लिया, परिभाषा अभी ख़त्म नहीं हुई, और सेक्शन रहता तो अब तक कई बार खत्म हो गया रहता। इसके बाद को भी हम डिटेल में आगे बताएंगे भाई आपका। इसके बाद आपको जी एच, टू जी और टू एच पूछा जाता है, लिखिए टू जी और टू एच, टू जी में जांच है और टू एच में इन्वेस्टिगेशन। अब जैसे इन्वेस्टिगेशन टू एच, यहीं से आपका क्वेश्चन उठाना है। इन्वेस्टिगेशन का मुख्य उद्देश्य
उद्देश्य क्या होता है। पहला क्वेश्चन आपका जो बनता है कि इन्वेस्टिगेशन का मुख्य एम क्या होता है, तो आपका जवाब रहेगा एविडेंस को क्या करना, कलेक्ट करना। अब यहाँ जो आपका क्वेश्चन बनता है वह ये बनता है कि इन्वेस्टिगेशन के बारे में सीआरपीसी में क्या क्या प्रावधान है, उसको लिखे तो एक एक करके लिखे। अन्वेषण के बारे में जो आप पूछ रहे थे क्या क्या अंतर है वो हम बता रहे हैं, अब एक एक करके आंसर कर दीजिए। अन्वेषण के बारे में प्रावधान सेक्शन वाइज लिखवा जा रहा है। पहला लिखिए 155 का क्लाज 2, शुरू से चला जाए धारा 155 का क्लाज 2, असंज्ञेय अपराध में मजिस्ट्रेट द्वारा अन्वेषण का आदेश। एक क्या लिखते रहे, समय अंतर भी लिखवा दे रहे हैं। असंज्ञेय अपराध में मजिस्ट्रेट द्वारा अन्वेषण का आदेश की धारा में दिया जाता है 155 के किस में, क्लाज 2। इसके बाद लिखे 156 का क्लाज 1, 156 का क्लाज 1, पुलिस द्वारा संज्ञेय अपराध में स्वतः अन्वेषण करना, मजिस्ट्रेट के आदेश की आवश्यकता नहीं, पुलिस द्वारा संज्ञेय अपराध में स्वतः अन्वेषण। इसके बाद लिखिए 156 का क्लाज 3, 156 का क्लाज 3, मजिस्ट्रेट द्वारा संज्ञेय अपराध में, भाई संज्ञेय असंज्ञेय भी लिखते रहे, मजिस्ट्रेट द्वारा संज्ञेय अपराध में, गांधीजे बोल संज्ञेय अपराध में अन्वेषण का आदेश देना। 156 का कौन सा क्लास 3। इसके बाद आपका आता है क्लास 159, ये महत्वपूर्ण है, यहाँ से भी भाई क्वेश्चन बन सकता है। लिखिए जब पुलिस अधिकारी द्वारा यह प्रारंभिक रिपोर्ट, हमें 157 की रिपोर्ट ये भी याद रखिए, उसमें लिख लीजिए प्रारंभिक मैंने 173 दो नहीं 157, जब पुलिस अधिकारी द्वारा यह प्रारंभिक रिपोर्ट, पोस्ट में लिख लीजिएगा 157, यह प्रारंभिक रिपोर्ट मजिस्ट्रेट को भेजी जाती है, मजिस्ट्रेट को भेजी जाती है कि वह न तो अन्वेषण करेगी न कराएगी, पुलिस मजिस्ट्रेट को भेजती है, न तो अन्वेषण करेगी न कराएगी, तब मजिस्ट्रेट पुलिस को अन्वेषण का आदेश दे सकता। अब यहाँ एक टेक्निकल क्वेश्चन बनता है कि अगर 157 के तहत पुलिस ने रिपोर्ट भेजी कि मैं इन्वेस्टिगेशन कर रही हूँ, तो क्या मजिस्ट्रेट को कोई पावर है कि अन्वेषण को रोक कर और खुद ही जांच कर ले, पावर नहीं है ये आपका। तब मजिस्ट्रेट 159 का सहारा लेगा, जब पुलिस ने लिख कर भेजा और प्रारंभिक रिपोर्ट में कि हम न तो अन्वेषण करेंगे और न कराएं, ये तब
अगर पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है तो हस्ताक्षेप का कोई भी नहीं, याद रखिए हस्ताक्षेप मजिस्ट्रेट नहीं कर सकता। यही आपका अन्वेषण परिचालन पर हो जाए तब रोकना भी बताया जाए, उसके बाद करिए तो हो जाए। इसके बाद जो सेक्शन आता है आपका 173 का क्लास एक्ट अतिरिक्त अन्वेषण, जो अभी आपका अर्णब गोस्वामी के मामले में विवादित हो गया है। 173 का कौन सा क्लास एट अतिरिक्त अन्वेषण का आदेश, क्योंकि विवाद ये उत्पन्न हुआ कि अगर एक बार रिपोर्ट भाई आप दे दिए क्लोजर रिपोर्ट, या हमने भाई चार्जशीट दे दिए करते रहे, क्लोजर रिपोर्ट मजिस्ट्रेट ने एक्सेप्ट कर लिया, तो क्या उसके बाद आप खुद खोल लेंगे केस कि आपका इजाजत लेनी पड़ेगी? तो ये आपका विवाद आया था। तो भाई वो दिखा रहे थी सरकार की हमारे यहाँ कानून है, खुद हम ऐसे तीन रिपोर्ट हैं, हम लोग क्या कर सकते हैं, खुद ही खोल सकते हैं, इसीलिए हाईकोर्ट ने जमानत देने से इनकार कर दिया था। इतना सरकार का वकील, वही भाई वकील है तो तर्क रखे कानून का, तो आगे बताया जाएगा। लेकिन अतिरिक्त इन्वेस्टिगेशन का आदेश मजिस्ट्रेट दे सकता है कि धारा के तहत 173 के किस में एड या और इन्वेस्टिगेशन करिए, यानी कि एफ आई आर को न मानते हुए क्या कर सकता है अतिरिक्त अन्वेषण, इसको आगे देखा जाएगा पुलिस कब स्वतंत्र करेगी क्या उसको लिखे। इसके बाद आता है 202 लिखे, धारा 202 के तहत परिवाद पर संज्ञान लेने के बाद अन्वेषण का आदेश देना, मैंने परिवाद पर संज्ञान लेने के बाद इन्वेस्टिगेशन का आदेश देना, एक ही धारा में है 202। अब आपका क्वेश्चन बनता है कि 156 3 और 202 में डिफरेंस क्या है, एक अंतर बताइए। मैं बता आपका दो अंतर सटीक अलग से लिख लीजिए, बड़ी ये हो गया इन्वेस्टिगेशन। अब इसमें क्या समस्या है तो बताइए, मैं तो आगे डिटेल में आया है एक दो दिन। अब आपका क्वेश्चन देखिए, कम से कम दो पॉइंट को याद रखिए, आपका 156 3 और दूसरा आपको याद रखना है आपका ये 202, कम से कम दो तीन पॉइंट अटैकिंग याद रखिए। पहला नियम 156 3 के तहत आपका जो नियम है ये संज्ञान के पूर्व लागू होगा, यानी कि अभी का निजेंस नहीं लिया, संज्ञान के पूर्व इन्वेस्टिगेशन का आदेश किस में 156 के किस में 3 और 202 की स्थिति संज्ञान के क्या है बात उसको लिखिए, तीन चार अंतर लिखिए। दूसरा आप दिखाएंगे कि 156 3 के तहत केवल संज्ञेय अपराध में और 202 के तहत संज्ञेय असंज्ञेय दोनों, 156 3 सबके लिए नहीं है याद रखिए, केवल किसके लिए है काम ये हो कि संज्ञेय अपराध में कौन दे सकता है, 156 असंज्ञेय के लिए नहीं, 156 के खंड 3 में किसके लिए केवल संज्ञेय और 202 में संज्ञेय असंज्ञेय दोनों, मुक्त परिवार दोनों के लिए किया जा सकता है। अब आपका अगला आता है 156 3 के तहत जब आदेश दिया गया इन्वेस्टिगेशन का तो ये पुलिस कार्रवाई का भाग होता है और 202 कौन सा भाग होता है न्यायिक, 156 3 के तहत अन्वेषण का आदेश पुलिस कार्रवाई का भाग है और
202 वह न्याय कार्यवाही का भाग है। देखिए जो सबसे अटैकिंग है वो भी जानना है कि क्या परिवाद परमिट के अन्वेषण का आदेश दे सकता है। तो मैंने परिवाद किया गया कॉन्जिजेंस न ले और 156(3) के तहत क्या कर दे आदेश। अगला आपका क्वेश्चन यह अच्छा बनता है कि अगर 156(3) के तहत मजिस्ट्रेट ने इन्वेस्टिगेशन का आदेश दिया है तो इन्वेस्टिगेशन के पश्चात जो रिपोर्ट पुलिस भेजेगी मजिस्ट्रेट को किस धारा के तहत भेजेगी। वह दे दी जाती है 173(23) में तो, और 202 के तहत दिया है तो वह 202 में ही रिपोर्ट मांगता है, अलग से नहीं, यानी कि इधर ना आइएगा। वो कहाँ से गवर्न होगा 202, लेकिन 156 वाली रिपोर्ट अब कहाँ गई है आपका 173, इस पर भी बताया जाएगा। अगली परिभाषा आपका देखिए भाई, आपका ये हो गया एक सौ छप्पन तीन में FIR के पहले दी जाती है और 159 का मतलब कि FIR दर्ज हो गई। पुलिस ने 157 में प्रारंभिक शुरुआती रिपोर्ट भेजी और कहा कि हम अन्वेषण नहीं करेंगे। रिपोर्ट के बाद ये रिपोर्ट के पूर्व ये रिपोर्ट के बाद देखना चाहिए मैंने कि रिपोर्ट कहाँ भाई FIR दर्ज होना बाद। इसके बाद आपका क्वेश्चन जो परिभाषा से पूछा जाता है 2R पुलिस रिपोर्ट, यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन एक बार देखिए भाई। एक लोग और पूछ रहे हैं ये रिपोर्ट कितने प्रकार की होती है। देखिए रिपोर्ट और पुलिस रिपोर्ट में अंतर है। अगर ये पूछे कि रिपोर्ट कितने प्रकार की होती है तब उसका इरादा क्या पुलिस रिपोर्ट पूछने का है कि पुलिस या पीसी मतने का, तब कैसे इरादा खोजा जाए ये समस्या है भाई आपका। मान लीजिए वह रिपोर्ट कितने प्रकार की होती है ये केवल पूछ दे तो इसका मतलब जो क्या पूछना चाहता है यहाँ दिमाग थोड़ा स्थिर करना पड़ेगा। अब यह है कि आप मैंने रिपोर्ट बताएंगे यानी धाराओं में मृत समीक्षा रिपोर्ट भी है, आपका प्रारंभिक रिपोर्ट भी है 157 में, 173(2) में पुलिस रिपोर्ट भी है, अब कैसे इसको डील किया जाए भाई। अब ये हो सकता है कि आप जैसे यानी बताने लगे तो वही कर दें कि आप रिपोर्ट पूछा जा रहा है, रिपोर्ट का मतलब पुलिस रिपोर्ट पूछा जा रहा है। अब ये रिपोर्ट पूछे तो क्या बताया जाए ये थोड़ा बहुत कठिन है, यानी कि उसका इरादा भी देखना पड़ेगा क्या वह पुलिस रिपोर्ट पूछ रहा है क्या जगह। रिपोर्ट तो कई प्राधिकारी कई तो करते हैं, जैसे कि वारंट के बिना गिरफ्तार जितने व्यक्ति होते हैं उनकी रिपोर्ट पुलिस करेगी DM साहब को भी रिपोर्ट, 174 में मृत समीक्षा रिपोर्ट भी, 173(2) में पुलिस रिपोर्ट भी, तब रिपोर्ट तमाम होती है, 157 में प्रारंभिक रिपोर्ट। तब ना पूछिए तो ठीक रहेगा थोड़ा भाई। अब वो लोग सोचते हैं कि नहीं थोड़ा बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है भाई, लड़का समझ ही नहीं पाया तो पूछते वैसे लोग मैंने सारी सबके से एक बार लेकिन रिपीट करना कहीं क्वेश्चन पूछा हुआ आपके समझ में ना आए अब ये रिपीट कर दीजिए। वो सब ना बताइएगा आप बता
अब ये देखिए प्रॉब्लम पूछेंगे कॉन्वेंटिक भाई क्लियर नहीं क्या बताया जाए। देखिए आपका समझ में ना आया ये थोड़ा बुरा करना पड़ता है, हम पर रिपेट तो कर ही सकते हैं फॉर्म लगा जा रहा है लेकिन थोड़ा उसका बुरा प्रभाव पड़ता है। देखिए इसको पुलिस रिपोर्ट में बता दिया जाए, भले वो रिपोर्ट बाद में देखा जाएगा दो दिन बाद। आपका पुलिस रिपोर्ट कहाँ परिभाषित है तो 2R यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। 2R में पुलिस रिपोर्ट का मतलब क्या हुआ तो पुलिस अधिकारी द्वारा अन्वेषण के पश्चात आपका 173 के क्लास 2 में भेजी गई, बस ये बताइए। अब पुलिस रिपोर्ट कितने प्रकार की होती है, देखिए पुलिस रिपोर्ट 2 प्रकार की होती है, ये भी डिटेल में आगे पढ़ना पड़ेगा भाई, बहुत मैंने अंदर से जाकर पूछेगा पिछली बार। पुलिस रिपोर्ट 2 प्रकार की हो सकती है, माने होती है, एक साक्ष्य का पर्याप्त होना, ये बताइए कि साक्ष्य बता दीजिएगा साक्ष्य का क्या होना पर्याप्त, और दूसरा साक्ष्य का अपर्याप्त, साक्ष का अपर्याप्त, इसके लिए तमाम सेक्शन जुड़ेंगे, वो हम लिखवा नहीं रहे हैं। आगे 169 भी जुड़ेगा, 170 भी जुड़ेगा, 173 दो के बाद 4 और 5 भी जुड़ेगा, तमाम सेक्शन जुड़ेंगे उसको अलग बताया जाएगा। अगर पुलिस ने फिर एक बात समझिए, अगर पुलिस ने पुलिस रिपोर्ट 2 प्रकार की हो गई, एक साक्ष्य का पर्याप्त होना और एक साक्ष्य का क्या ये लीगल प्रॉब्लम जो ये हम लिखवाए हैं कि साक्ष्य का पर्याप्त होना, इसी को अन्य भाषा में कुछ नाम देते हैं, उसको नाम लिख लीजिए चार सी भाई, साक्ष्य पर्याप्त होने में लिखिएगा लीगल भाषा में पर्याप्त होना है, इसको हम अन्य भाषा में लिखे चालानी सी चार शीर्ष आरोप पत्र, उसको तीन चार चलानी सी, हाँ चलानी सी चार शीर्ष आरोप पत्र, इसको कहते हैं जब क्या हो साक्ष्य पर्याप्त, और साक्ष्य जब अपर्याप्त की रिपोर्ट भेजी जाए तो उसको दो तीन नाम लिखे, उसको अंतिम रिपोर्ट फाइनल रिपोर्ट FR इंग्लिश में, क्लोजर रिपोर्ट प्रचलित भाषा में FR कहते हैं, फाइनल रिपोर्ट अंतिम रिपोर्ट या क्लोजर रिपोर्ट। अब यहाँ आपका देखिए सतर्क रहना भाई, अब ये पूछा जाता है कि पुलिस रिपोर्ट और चार्जशीट में अंतर क्या है, तो आप बताएंगे कि जब पुलिस माने पुलिस रिपोर्ट और चार्जशीट में अंतर क्या है, तो भाई पुलिस रिपोर्ट का ही एक भाग चार्जशीट, और अगर पुलिस रिपोर्ट में ये लिख कर भेजा गया हो कि साक्ष्य पर्याप्त है तो उस पुलिस रिपोर्ट को ही हम क्या कहते हैं चार्जशीट एक नाम, यानी कि प्रत्येक चार सीट पुलिस रिपोर्ट होती है लेकिन प्रत्येक पुलिस रिपोर्ट चार सीट नहीं होती, क्योंकि तो पुलिस रिपोर्ट चार सीट से बाहर भी जा सकती है और अंतिम रिपोर्ट भी हो सकती है, ये बताना पड़ेगा कि चार सीट और पुलिस रिपोर्ट में, यानी कि पुलिस चार सीट पुलिस रिपोर्ट का ही एक भाग, ये करना सही है क्योंकि तो पुलिस रिपोर्ट के 2 भाग हमने बताए ये। इसके बाद आपका ये पूछा जाता है कि क्या जब क्लोजर रिपोर्ट भेज दी गई, अंतिम रिपोर्ट या फाइनल रिपोर्ट भेज दी गई, तो भाई क्या कर सकता है,
तो ऑप्शन आपका पूछा जाता है चापान जो मजिस्ट्रेट के पास क्या है विकल्प है। तो पहला ये पूछा जाता है कि क्या एफ आर के बावजूद भी संज्ञान लिया जा सकता है कि नहीं, लिया जा सकता है। तो आपका क्यों, क्योंकि आप तर्क देंगे कि 173 के नहीं 190 वन बी में चार सीट और अंतिम रिपोर्ट का उल्लेख नहीं, केवल और केवल किसका उल्लेख है पुलिस रिपोर्ट, और पुलिस रिपोर्ट में चाहे चार सीट हो या अंतिम रिपोर्ट हो, अगर मजिस्ट्रेट को लगता है कि सात पर्याप्त है तो संज्ञान ले सकता है, चाहे पुलिस रिपोर्ट हो चाहे अंतिम रिपोर्ट हो, मजिस्ट्रेट को लगता है कि सात पर्याप्त नहीं है तो संज्ञान लेने से क्या कर सकता है। यानी ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि क्या पुलिस ने चार्जशीट दे दी तो क्या मजिस्ट्रेट संज्ञान लेने से इनकार कर सकता है, कर सकता है।